हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द जायद प्रदान किया जाएगा? तो आपको बता दूँ, ये पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है? तो आपको बता दूँ, इन्हें राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अपने कार्यकाल का कितना साल पूरा कर लिया है? तो आपको बता दूँ, इसने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच विशेष द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं? तो आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दूँ, भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियर व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आपको बता दूँ, इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्नीचर का कारोबार करने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर ऑनलाइन स्टोर खोला है? तो आपको बता दो, ये ऑनलाइन स्टोर मुंबई में खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवानिवृत्ति आयु अब कितने वर्ष होगी? तो आपको बता दूँ, अब 60 वर्ष होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के किस ग्लेशियर ने अपनी पहचान खो दी है? तो आपको बता दो, इस ग्लेशियर का नाम है ओक जोकुल। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। उमराव जान बाजार कभी कभी जैसी फिल्मों के लिए गीतों की धुन बनाने वाले संगीतकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपको बता दो फ्रेंड्स, इनका नाम है मोहम्मद जहूर खयाम। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।